अब ये आप ऐड के जो है, आज तारीख 6 अप्रैल 2022, समय हो गया है 06:50 PM। बहुत समय पहले इंडिया टुडे की मैगजीन में एक आर्टिकल छपा संसद पे हमले के बाद। इंडियन आर्मी ने ना अपनी स्ट्राइक को कराची पहुंचा दी थी, वो तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेशर में जो है स्ट्राइक कोर को रुकना पड़ा था। ये इंडिया टुडे की न्यूज थी, ये था प्रभु चावला जी का टाइम। वो आज देख रहे हो ना प्रभु चावला जी को बाल कलर करके जो है मोदी का मजाक उड़ाते हैं। वो प्रभु चावला को कौन नहीं जानता, इसमें क्या नाम था, कौन सा होटल, तो मुझे ध्यान नहीं, ताज में पता नहीं कहाँ पे। सालाना इनकी एक पार्टी होती थी इंडिया टुडे की, उसमें वीआईपी वीवीआईपी नेता अभिनेता ना इनविटेशन का इंतजार करते थे, पता नहीं एक या कई दिन चलती थी। प्रभु चावला जी से हाथ मिलाने के लिए राजी अंजना ओमकर से बकवास कर रही है। तो प्रभु चावला के बारे में तुम क्या मामूली सोच रहे हो, उसकी उनकी उनकी देखा देखी करने के चक्कर में एनडीटीवी आया। प्रणव रॉय पूछ लो, प्रणव रॉय बता देगा प्रभु चावला कौन है, क्या फिल्म है। जी न्यूज में ये जो सुधीर चौधरी है ना, तू सपने में नहीं तू बराबरी कर सकता प्रभु चावला की। रामेश्वर नाथ काव की न्यूज छाप दी थी अगले ने, सोच ले कितना ताकतवर आदमी होगा। रामेश्वर नाथ काव को कुछ नहीं समझता था ये आदमी। आरएन काव का नाम सुना कभी, नहीं मालूम। रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग का चीफ, इन दोनों का एक वाक्य है ये चाणक्यपुरी होटल के, चाणक्यपुरी होटल के पास का, इंडिया टुडे में छपा था उनका। इंडिया का कोई मिलिट्री जनरल था उस समय। काव साहब का कॉन्वॉय जो है ना अपोजिट डायरेक्शन में चलता था और सामने से आ रहा था इसका मिलिट्री वाला कॉन्वॉय। अब दोनों की गाड़ियां आमने सामने, काव के बंदों ने ना उस समय के मिलिट्री जनरल की गाड़ी हटवा दी थी रास्ते पे से। सुपर एसपीजी था वो रामेश्वर नाथ काव, आरएन काव। तो कौवे देखते हो ना, वो इतना बड़ा सिद्ध था वो रामेश्वर नाथ काव। अगर कहीं तुम्हारे को बहुत सारे एक साथ कौवे दिख जाए ना, तो समझ लो रामेश्वर नाथ काव की ट्री में वो था एसपीजी असल में। तुम जानते हो एसपीजी कौन होते हैं? उसने प्रभु चावला उसे नहीं समझता था कुछ भी। आरएन काव को पाकिस्तान की हवा लेती थी आरएन काव के नाम से, और ये दिमाग लगा रही है अपने आप को प्रभु चावला की बराबरी करेगी। इंडिया टुडे को जानते हो कहाँ लेके आया है वो? बोले टाइम मैगजीन जो है ना, टाइम मैगजीन ये नहीं, इंडिया टुडे ने कॉपी नहीं करी टाइम मैगजीन, टाइम मैगजीन ने इंडिया टुडे का पैटर्न कॉपी किया। क्या बता तुझे अभी, बड़े प्यार से दिमाग लगा रहे फॉरवर्ड टॉप और ये मास कम्युनिकेशन ये वो, छोड़ना। मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस से ग्रेजुएशन करी है। कॉरेस्पॉन्डेंस जानते किसे कहते हैं? अंजना, आज बताऊंगा तो सब अपनी डिग्री निकालेंगे। अब समझ में आ गई जर्नलिज्म कैसे किया मैंने? ये जर्नलिज्म जे से नहीं होता, जी से होता है, जर्नलिज्म।
जनरल समझ, पता तुम्हें किसे कहते हैं? जनरल नहीं होता, जनरल होता है। मिलिट्री जनरल पढ़ा कभी? मिलिट्री जनरल तो पढ़ा होगा, मिलिट्री जनरल पढ़ा है? लगे किसी को भी बुरा होने का मतलब है? इंडिया टुडे, इंडिया टुडे, इंडिया टुडे। हाँ मैं सोचना ना तू इंडिया टुडे के बारे में किसी को। मैंने भी एडी चोटी का जोर लगा दिया था इंडिया टुडे के ग्रुप खरीदने के लिए। बात पैसे की नहीं होती है, बात पैसे की नहीं है यार, बात होती है पावर की। इंडिया टुडे की बराबरी नहीं कर सकता कोई इस देश में, चाहे जियो न्यूज आ जाए, चाहे सुभाष सुभाष चंद्र को क्या लगा कि वो एक न्यूज चैनल खोल के जो है ना इन नेताओं को और इन सबके साथ जाकर राज्यसभा की सीट ले लेगा। है जाइए आप अंजना को ओम कश्यप जी। नहीं नहीं प्रभु चावला जी निकालो जरा लिस्ट, आप वापस आओ, आप चेयरमैन, आप चेयरमैन हो इंडिया टुडे ग्रुप में, अब लिखो आप प्रभु चावला चेयरमैन। वाह भाई वाह, आर्टिकल पढ़े हैं प्रभु चावला के कभी? प्रभु चावला का नाम ही काफी है। कौन है ये लोग है भी? अबे जो आदमी रामेश्वर नाथ काव को टक्कर दे दे ना, तो जानते हो खुद कौन होगा? तो कुछ नहीं समझता था किसी को, और आज भी नहीं समझता। सीधी बात सुनिए कभी इनके, इनका कार्यक्रम देखा? मेरी हिम्मत नहीं होती देखने की। वो सवाल ऐसे पूछते हैं, लिमिट होती है। और जिसको सामने बैठा लिया ना प्रभु चावला ने, समझ लो उसका कैरियर गया। कोई हो इंडिया टुडे वाला, वो रजत शर्मा इसकी इनकी बराबरी करने आया, तू जा यार मार मुड़ देंगे यार तुझे, तू समझ क्या रहा है बे? प्रभु चावला ने जिसको सामने बैठा लिया ना, समझ ले उसका, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, उसका कैरियर गया। मैं नहीं जानता प्रभु चावला भाई भारत में क्या रैंक रखता है, पर हाँ इतना मालूम मुझे इंडिया टुडे ग्रुप का मालिक है। किसी वजह से हुआ होगा डाउनफॉल, कोई बात नहीं। चैनल साहब आपका था, आपका है, आपका रहेगा, पैसा जितना कहोगे उतना लगा दूंगा। पर मैं आपको एक ही बात कहूंगा साहब, मैंने तो हाथ जोड़ लिया जैसे, मेरे से बर्दाश्त नहीं होती, मेरे से नहीं देखे जाते ये चैनल। नाउ यू आर द चेयरमैन, डू वट एवर यू लाइक टू डू, सेक देम वेरी सिंपली। हाँ उनको बोलो ऐसा है बेटा, तेरी न्यूज से अच्छा है तो दोबारा जर्नलिज्म कर ले, पैसे मैं दे रहा हूँ, चल 4 साल की जर्नलिज्म और कर ले बेटा, पैसे मैं दे रहा हूँ, छोड़ फालतू बात नहीं है, आप वापस आई हो ठीक है, खर्चा भी दे दूंगा बेटा, पर चैनल की ऐसी तैसी मत कर। इधर देखियो, 4 से चैनल होता है, अब वो हो कोई सा भी। मतलब अजीब अजीब से आ गए हैं आजकल,
कोई भी मुंह उठा करके जो है प्रेस रिपोर्टर बन जाता है, कहीं से भी एक कोर्स कर लेगा वो टोटल टीवी, और वहां से क्या नाम है कनॉट प्लेस के, वहां से सब मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म करा रहे हैं। गवर्नमेंट से कर ले जा करके, चल दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर ले। इफ यू हैव अ 5 लाख रुपीज गो फॉर जर्नलिज्म। प्रणय रॉय ने लाख कोशिश कर ली, मैं बोल रहा हूं ना सच्चाई। बरखा दत्त ने लाख कोशिश कर ली, पाकिस्तान तक का फंड उठाला है, पर प्रभु चावला को कुछ नहीं बिगाड़ पाया, क्योंकि प्रभु चावला ने न्यूज दे दी स्ट्राइक कोर घुस गई पाकिस्तान में, सरेंडर। इन्होंने लाख कोशिश कर ली कि न्यूज ना आ जाए कहीं, इंडिया टुडे ने दे दी न्यूज, बजा दिया जी पाकिस्तान। अटल बिहारी वाजपेयी यूएस के प्रेशर में बोल नहीं रहा था कुछ। प्रभु चावला जी ने छाप दी न्यूज, लो बेटा कूटो बैठ के। अब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लेकर के पूरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे ताला लग गया था उस दिन, पाकिस्तान सोचना पड़ गया था अब ये क्या कर दिया। 3 लाख बंदे फुली लोडेड पाकिस्तान में घुस गए जी, कराची से मात्र 150 पता नहीं 50 किलोमीटर दूर रह गए थे। ये वो आदमी है, ये तुम इनकी बराबरी करोगे? बरखा दत्त ना यहीं से न्यूज दे रही, ओ कारगिल में से गोली चल रही है इधर से उधर ही। इस बंदे ने ना पूरा पैसा लगा दिया था इंडियन आर्मी पे उस समय। ये वो आदमी है ये, मुझे उस दिन जो है क्या कहता मेरे को लगा भी, मेरे को लगता है मतलब ऐसे ही हूँ मैं, लगता है बुड्ढे की जेब खाली हो गई, कह रहे यार बंडल 200 करोड़ रुपए की जरूरत है। अच्छा मैं का सौदा फाइनल कर फटाफट, इंडिया टुडे का लग गया होगा इन्वेस्टमेंट, कहीं से लगा दिया वो किसी ने, वापस ले आया सर चैनल, क्या बात कर दी, इंडिया टुडे HD में ले आया सर, लगा दिया पैसा, कोई बड़ी बात थोड़ी है। आप हुए फिर से चेयरमैन, आप संभालो, मेरे पास ना एक्सपीरियंस नहीं है, मैं तो इनके खाल खींच दूंगा इतनी देर में, मैं मार मार इनका भूसा भर दूंगा इनके। हाँ संसद पे हमले के बाद इतना प्रेशर था ना इस न्यूज को छुपाने का कि इंडियन स्ट्राइक कोर जो है वो पाकिस्तान में घुस चुकी है, अमेरिकन सैटेलाइट ने ट्रैक किया, पाकिस्तान गवर्नमेंट को बोला, प्रेशर बनाया, न्यूज नहीं आनी चाहिए, इंडिया टुडे टुडे ने न्यूज दे दी और हमने पढ़ ली और आज बता दिया। वो स्ट्राइक कोर आज भी वहीं पे है, आराम से लंगर डाले बैठे हैं वो, अब तो आ गए अब क्या करना जा करके। प्रभु चावला ने अपना सारा पैसा लगा दिया, प्रभु चावला के पास पैसे की कमी, कौन है सुभाष चंद्र और ये रतन टाटा और मुकेश अंबानी इसकी बराबरी करता, हुआ को कुछ मालूम है तो ज्यादा जानते नहीं इनके बारे में, पर हाँ मुझे ये पता था है बहुत कद्दावर आदमी भारत के अंदर, रामेश्वर नाथ काव को टक्कर देने वाला आदमी, क्योंकि रामेश्वर नाथ काव जो था वो इंदिरा गांधी का नजदीकी था, बहुत नजदीकी था रामेश्वर नाथ काव, इंदिरा गांधी ने ही तो बनाई थी रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग, पता आपको नहीं मालूम, रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग इंदिरा गांधी ने बनाई थी और रामेश्वर नाथ काव को उनका एज ए चीफ चुना था, इसलिए जो है रामेश्वर नाथ काव जो है
जी हाँ, इंदिरा गांधी की बहुत सुनते थे। लाख कोशिश कर ली थी प्रेशराइज करने के, इंडिया टुडे प्रेशर प्रेशर में नहीं आया। आज भी पाकिस्तान पछताता है, उसी दिन का वास्ता तो पाकिस्तान को जो है क्या कहते हैं, हमेशा डिफीट ही माना गया। अटल बिहारी वाजपेयी तक वॉज इन मूड टू नॉट टू सेंड स्ट्राइक कोर, होगा भाई इनका कोई घुसा दे स्ट्राइक कोर, ऐसे तैसे मराओ अपनी तो। इन्होंने इतना समझाया था रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग वालों ने, न्यूज मत देना। रामेश्वरनाथ काव की फोटो छाप दी, छाप फोटो कहाँ छपी, पहले आई होगी कभी मैगजीन में, नहीं आई थी शायद। उस बात को लेकर बड़ा ब्लंडर हुआ था, इन्होंने पूरे उनके जो है डिटेल विटेल सब होगा कोई मामला, उसमें पूरा वाक्य बताया गया था रामेश्वरनाथ काव के बारे में। तो मैंने पहली बार आर्टिकल पढ़ा था, आर एन काव रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग चीफ। अब जानते कौन है, है? रॉ का चीफ कौन है, नहीं पता तुम्हें? अब दिया जरा विकिपीडिया पे नाम किसी का, उठा के लाओ उसको। कैसे लोग हैं यार ये, इंडिया टुडे ग्रुप का मालिक प्रभु चावला, तुम्हें क्या लग रहा है ये एडिटर है, बुड्ढा चूतिया बना रहा है तुम्हें? मैं बता रहा हूं तुम्हें, बुड्ढा चूतिया बना रहा है तुम्हें प्रभु चावला। आये सीधी बात वाला जो है, इसे कम मत समझना, बहुत घाघ आदमी है ये। हां जी, इंडिया टुडे ग्रुप का मालिक है ये, इंडिया टुडे ग्रुप। ऑल ओवर वर्ल्ड में कौन नहीं जानता तुम्हारा क्लिंटन क्लिंटन विलिंटन सब, कौन कौन सी बड़ी चीज थे इनके लिए। पीएमओ में बंदा सीधी धाक रखता था ये शुरू से, आज भी सीधी धाक रखने वाला आदमी है ये, नेता बनने के दिमाग में नहीं रहा है कभी भी कि भारत में जो है नेता के दिमाग में जो है तो। और जिसको इसने साहब ने बैठाया, मैं पहले सोचता मैंने भी गया कहां से, ये फेल है। इंटरव्यू है वो एक तरह से, इंटरव्यू समझते क्या होता है, इंटरव्यू कहते ना, इसका इंटरव्यू ले रहे हैं, मतलब एक जॉब के लिए इंटरव्यू देते हो ना, बस वही है। कैरियर गया, जिस नेता का इंटरव्यू लिया गया कैरियर, और ये बना के बैठ गया आपकी अदालत और पाप की अदालत। अब करियो क्या करेगा रजत शर्मा, मेरे तेरा तेरे चैनल पे ताला नहीं लगवाया तो मेरा नाम भी हितेश नहीं, तू रुक तो सही, तू जेल जाएगा। इसको मैंने पहले ही समझाया था कि प्रभु चावला से दूर रहियो, इसको हिंट दिया था मैंने, तू माना नहीं ना। पर प्रभु चावला जी, वी विल क्रिएट इट इंटरनेशनल चैनल, पैसा बहुत है मैं लगाऊंगा, वॉर न्यूज में खेलना है। उस एक आर्टिकल के चलते इंडिया टुडे ग्रुप ने इतना पैसा कमाया था तुम सोच नहीं सकते। आज पाकिस्तानी मीडिया है ना, पाकिस्तानी मीडिया में जितनी ऐड आ रही हैं, मेरी कंपनी है, मैंने खरीदे हुए चैनल, मैं इनको देख रहा हूं अभी सिर्फ। किसी भी दिन
नहीं नहीं प्रभु चावला जी, आप टेक केयर करो सारे मीडिया ग्रुप्स, देखो क्या चल रहा है, ऐसा बात नहीं बनेगी सर, कर दिया करो ग्रेट ढंग से। तुम क्या सोच रहे हो, ये बुड्ढा ना 2 मिनट में, 2 मिनट में इसकी फीस उतार देगा मोदी की। हाँ ना मजाक में जो कलर वलर कर लेना दाढ़ी उसी सांस में, ये फुल मजाक उड़ा रहे हैं इसका। देखा सही है भाई, जो बैठ गया इनके सामने, पता नहीं आईबी चीफ है या क्या है ये, शायद आईबी चीफ है ये शायद, तभी ये काव को भी कुछ नहीं समझते थे, शायद आई भी चीफ है, तभी चला रहा है इतना बड़ा ग्रुप इंडिया टुडे ग्रुप। मैं कहा था तुम सब पिटोगे बेटा, सब पिटोगे, मैं इतनी आसानी से हाथ आने वाला आदमी नहीं हूं तुम सबके। साफ सीधी बात है प्रभु चावला जी, इनको प्यार से बुला के बेटा ऐसा है दोबारा जर्नलिज्म कर ले तू, है चलो नया सिलेबस आ गया पहले वो पढ़ ले। कन्हैया कुमार इज नॉट इम्पोर्टेंट, नो इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस, नो इज नॉट। सबसे पहली न्यूज, सबसे महंगी न्यूज वॉर न्यूज होती है। सबसे महंगा गेस्ट पता है कौन होता है, डिफेंस मिनिस्टर और मिलिट्री जर्नल्स, सबसे महंगे गेस्ट होते हैं ये, सबसे महंगे। सबसे सस्ते पता है कौन होते हैं, हैं? नहीं मालूम, सबसे सस्ता होता है प्राइम मिनिस्टर और उससे भी सस्ता होता है प्रेसिडेंट। मानो या ना मानो, ये मीडिया हाउस है, मुझे क्या पता, मैं क्यों दिमाग लगाऊं आईबी चीफ है या नहीं है। मैं वैसे ही बोल रहा हूं, इतना ताकतवर आदमी यार भारत में, अमिताभ बच्चन उछलता कूदता फिर रहा है। जा यार तू सोले पार्ट टू बना ले यार, जा खाम का तेरा इंटरव्यू ले लिया ना जिस दिन ने, उसी दिन तेरा कैरियर खत्म है। इनकी मेरे को एक बात समझ नहीं आती, तुम लोग इतने समय से मीडिया ग्रुप में काम कर रहे हो, तुम्हें इतना नहीं पता कौन सीनियर है कौन नहीं है, तुम्हें इतना भी नहीं पता। एनडीटीवी, जी न्यूज, तुम्हारा एबीपी न्यूज, ये सब के सब इंडिया टुडे ग्रुप को काउंटर करने के लिए बनाए गए और कोई कारण नहीं था। राजीव शुक्ला का जो था वो, और कोई कारण नहीं था, क्योंकि इन चैनलों के पीछे किसी ना किसी नेता का पैसा लगा हुआ है चुपचाप से। अब प्रभु चावला जी का ये खुद का चैनल है इंडिया टुडे ग्रुप, आ गया होगा किसी वजह से, कई बार हो जाता है नुकसान, लगा दिया हो पैसा इंडियन आर्मी में, कोई बड़ी बात थोड़ी है। वैसे दिलदार आदमी है, वैसे दिलदार है ये, पैसे का मामले में वैसे भी ओपन माइंडेड है। इंडिया टुडे ग्रुप भाई साहब किसी के आगे नहीं झुका था, उस समय स्ट्राइक कोर पाकिस्तान में घुसाने की न्यूज दे दी थी, स्ट्राइक कोर इंडियन आर्मी। ये क्या जाने विपिन रावत और ये जो नए आए हैं ढिल्लन पिल्लन, इन्हें क्या पता, बच्चे हैं ये,
तो क्या हुआ सीनियर लेवल पे? तो देश के हितों के मामले में अगर कोई न्यूज हाउस प्रेशर में आ जाए ना, तो फिर वो चैनल चैनल थोड़ी है। फिर तो वो सिर्फ ऐसे ही है एडवर्टाइजमेंट के लिए, चलने दे पिक्चर हॉल की तरह है वो, तो फिर जाना है यार यहाँ से। इतना आसान नहीं होता। मीमांसा मलिक, दूरदर्शन, दूरदर्शन अभी परसों तरसों तो मैंने ऑर्डर दिया दूरदर्शन खरीदने के, कल या परसों दिया खरीदो। हाँ दूरदर्शन खरीदने, ऐसे बात नहीं बनेगी। ये कुछ नहीं समझता ना भुट्टो वुट्टो को, ये बंदा जो है ना ये कलाकार आदमी है यार। जो भी है मैं तो इतना ही कहूंगा, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है आप लोगों को मैडम। अंजना ओम क्वेश्चन विल बी एग्जाम्पल फॉर एवरीवन। थैंक यू वेरी मच, एंजॉय योर वेकेशन मैडम। वी आर गिविंग यू 2 month लीव। थैंक यू वेरी मच, गेट आउट।